सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के जिंदा सबूत आज भी निकल रहे हैं। तमाचा उन लोगों के मुंह पर जो सवाल खड़े कर रहे थे, और दिखाएंगे इस खबर में आपको कि आखिरकार संत क्या बोल रहे हैं, मुस्लिमों की क्या राय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। इस समय अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल को समतल करने का काम हो रहा है, इसीलिए भूमि पर खुदाई भी हो रही है। इसी दौरान कई शिवलिंग और भगवान की दिव्य मूर्तियां निकली, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि विवादित भूमि पर ही भगवान राम का मंदिर था और उसे तोड़कर आक्रमणकारियों ने मस्जिद में बदल दिया था। इस दौरान कई पुरातात्विक मूर्तियां, खंभे और शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अलावा 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सेंटर स्टोन के स्तंभ सहित 5 फीट का एक शिवलिंग भी मिला है। इसके बाद मुस्लिमों की इस मुद्दे पर क्या राय है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले संत क्या बोलते हैं। जैसे ही शिवलिंग और जो मंदिर के अवशेष हैं, जो खंडित मूर्तियां हैं, जो सबूत हैं सालों साल से वहां पर दफन, अब वो क्या कहते हैं संत इस पूरे मुद्दे पर, आइए दिखाते हैं आपको। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया, समतलीकरण शुरू हो रहा है, और इस समतलीकरण में बहुत से ऐसी धरोहर मिली हैं जो प्राचीन काल की हैं, जो अमूल्य, उनको संकलन करके एक जगह रखा जा रहा है। और यह है एक प्रकार से जो चाहिए कि भगवान के मंदिर में प्राचीन मंदिर रहा, और उसमें जो अभी अवशेष मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे, बहुत अमूल्य है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट की उत्साह है, इसलिए कि इतना कोरोना का आपत होने के कारण से तमाम परेशानियों के साथ साथ और राम मंदिर निर्माण का कार्य जो है समतलीकरण के कार्य शुरू हो गया है, और आशा है कि जल्दी ही मंदिर निर्माण का भी कार्य शुरू हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर सोशल मीडिया पर मुस्लिम पक्ष क्या अपनी राय रख रहे हैं। नफीसा शहनाज लिखती हैं, आपके शिक्षित होने की भावना पर अब संदेह है, वर्तमान की बात करते हैं, राम मंदिर के नाम पर मस्जिद की बलि दी जाती है, क्या इधर निरपेक्षता नहीं है, पीट पीट कर मारना लोगों की पसंद धर्म निरपेक्षता है, एक मुस्लिम के रूप में पहचान के आधार पर घृणा करना धर्म निरपेक्षता है। फैजान जालिम लिखते हैं, तुम सबको बस मंदिरों के अवशेष ही मिलते हैं, बस कभी मस्जिदों के अवशेष भी ढूंढ लिया करो जो हिंदुओं ने नष्ट किए थे। शारिक शहजाद कहते, सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद रखा है, तभी तो सिर्फ मंदिर के ही अवशेष मिले हैं। बाबर अली कहते हैं, गाय के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर बस मुस्लिमों पर निशाना साधते रहते हो, कभी तो न्याय की बात कर लिया करो। अब और बाकी लोग क्या कहते हैं उन पर भी जरा गौर डालते हैं। हिमांशु कौशिक कहते हैं, इतने दिनों से केस चल रहा था कि मंदिर नहीं मस्जिद है, अब खुदाई में इतनी मूर्तियों के अवशेष मिल रहे हैं, भगवान के घर देर है अधेर नहीं, जय श्री राम। योगेश कहते हैं कि सबूत मांगने वालों, अब तुम्हारे अस्तित्व का सबूत कौन देगा, भारत के कण कण में राम बसा है, धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के लिए अभी भी घर वापसी का मौका है। तो आपने देखा मिली जुली राय इस पूरे मुद्दे पर आई है, किस तरीके से लोग अपनी राय रख रहे हैं, संत क्या कह रहे हैं, और किस तरीके से अब वहां से जो अवशेष है वो लगातार मिल रहे हैं। आगे उम्मीद बनाए रखिए, और भी ज्यादा खुदाई में पुराने अवशेष मिलते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और एडवाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दों की बात करते रहेंगे। नमस्कार।